नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेश से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, इंडियन लोगों से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, इंडिया के लोगों के प्रति प्रत्येक देश के एयरपोर्ट पे सख्ताई क्यों बरती जा रही है। जी हाँ, आप लोगों को भी इसमें सोचने की समझने की बातें हैं, क्योंकि हर वो इंसान, इंडिया के करोड़ों लोग विदेश रहते हैं और सभी लगभग कंट्रियों में अभी फ्लाइटें बंद होने की वजह से, खासतौर से गल्फ देशों की बात करें तो इंडियन लोगों की हालात खराब है। जी हाँ, और इंडियन लोग बेचारे एक डेढ़ साल से पिछले बैठे बैठे थक चुके हैं कि भाई हम फ्लाइटें चालू हो तो हम विदेश जाएं, रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाए। जी हाँ, लेकिन फिर भी अभी तक भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी आपको पता भाई, इंडिया में इतने भयंकर तरीके से आंकड़े बढ़े हैं कि जो कुछ स्टार्ट होने वाला था, कुछ देशों ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने भी वापस बैन कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओमान से रिलेटेड। जी हाँ भाई, ओमान पे बता दूं, 7 यात्रियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए, सोचने की बात है कि जो 7 यात्री इंडिया के एयरपोर्ट से ओमान गवर्नमेंट ने वापस भेजे थे, क्या वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके नहीं गए? कोविड उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट, नेगेटिव टेस्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी ली है, ठीक है, जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट उन्होंने करी, उनके बावजूद 7 यात्रियों को वापस भेज दिया। इसका क्या रीजन है भाई? रीजन सीधा सा है, वहां पे एयरपोर्ट पे इनकी जांच होती है, जांच में इनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। जी हाँ, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए, कहाँ हुए, सोचने की बात है ना। ये यहाँ इंडिया से इन्होंने रिपोर्ट ली है, जो भी इनकी 96 घंटे 72 घंटे का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनके बावजूद भी इनको वापस निकाल दिया गया। क्या क्यों? कहीं ना कहीं देखिए, आप विदेश जा रहे हैं एयरपोर्ट पे या फिर फ्लाइट के माध्यम से, तो ये मत सोचना कि आपके पास रिपोर्ट इंडिया से, अच्छी बात है, नेगेटिव रिपोर्ट आप लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, आपका दोबारा टेस्ट होता है, लेकिन उस दौरान आप पॉजिटिव हो सकते हो। ये बीच का गेम कहाँ होता है? आप घर से निकलने के बाद में एयरपोर्ट तक पहुंचने के दौरान जितने भी प्रोसेस आप करते हैं, आप घर से गाड़ी के साथ निकलते हैं, स्टैंड पे आते हैं, वहां से बस पकड़ते हैं या कार पकड़ते हैं, जो भी है, आप उस दौरान एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, उस दौरान आपका संपर्क होता है लोगों से, घर से निकल के एयरपोर्ट तक, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर भी घुसते हैं तो भी लोगों से संपर्क होता है, फ्लाइट में बैठते हैं तो फिर आपको पता है संपर्क होना ही होना है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं आपके अंदर सिम्टम पाए जाते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे जाते हैं आपकी जांच होती है, जांच में सिम्टम आ जाते हैं। और बता दूं, अभी तो कोरोना के ये हालात हैं कि इतने इजीली सिम्टम आ जाते हैं, नॉर्मल आपने ठंडा पानी पिया, नॉर्मल जुखाम नॉर्मल हो गई, ज्यादा नहीं नॉर्मल हो गई, या फिर आप एसी में सो गए, कूलर के आगे सो गए, नॉर्मल अगर आपको जुखाम हो जाती है उसमें भी आप कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाती है आपकी। जी हाँ, तो इस तरह आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और खास तौर से बता दूं, गल्फ देशों में इंडिया के लोगों के ऊपर एकदम सख्ताई की हुई है, क्योंकि इंडिया के आंकड़े आपको पता है भाई भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं अभी, तो इस वजह से हर वो देश जिसने कोरोना पे काबू पा लिया, वो नहीं चाहता कि हमारे दोबारा ये प्रॉब्लम हो हमारे लोगों के साथ में, हमारे साथ में, इसलिए इंडिया के लोगों को बैन करके रखा। आपको पता है फ्लाइटें बैन है, दुबई जैसी कंट्री ने, अच्छी बात है कि इंडिया को अभी तक ओपन था, लेकिन पिछले 24 अप्रैल से वो भी कंट्रोल खत्म कर, मतलब फ्लाइटें बंद कर दी गई है। जी ओमान ने भी भाई इसी तरह से 7 लोगों को वापस निकाल दिया, क्योंकि वहां पे उनकी जांच की गई, जांच में वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि ओमान ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई हमारी जो सुप्रीम कमेटी के कानून है उनको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो नहीं करने पे उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा प्लस केस वगैरह जो भी हो, कानूनी कार्रवाई आपको पता होती है वो हो सकती है। तो आप जब भी विदेश जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी किसी भी देश की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक तो बहुत आप खर्चा करके जाते हैं, पहली बात तो ये है, टिकट महंगी होती है, कहीं से जुगाड़ करके जाते हैं, फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा सा वेट करिए। उम्मीद है कि अगले महीने तक सब ठीक ठाक हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी आगे और भी अच्छी हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी के साथ जय हिंद।